Hi, this is Kruti Sanghvi, contestant of Perfect Mrs. India 2020 Season 3. Hope you guys are enjoying at home and spending time with your family. Today we are going to make homemade sizzler. We need all the type of vegetables, whatever you have at your home, use it and we can make rice, gravy, sauteed vegetable. Okay, we are going to make that. I'm starting that thing. We'll take paneer cubes, then we take red mirchi. We have take paneer cubes, three types of capsicum, whatever you have. We'll add red mirchi, garam masala, jeera powder, kala mari, salt, ginger paste, oregano, chili flakes according to the taste. पैन गरम करके हमें उसमें बटर लेना है, ज्यादा गरम नहीं करना है वरना बटर जल जाएगा। उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा मैदा, जिससे हम मिक्स करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद हमें उसमें डालना है टिल द टाइम वो थिक ना हो जाए, हमें कॉन्स्टेंटली हलाते रहना है। ओरिगेनो, नमक स्वाद अनुसार और काली मिर्च। अब तक उसे हलाते रहिए जब तक ये थिक नहीं हो जाए। जैसे ये थिक हो जाए इसमें कॉर्न्स डाल देंगे, और एक बाजू मैंने पैन गरम, दूसरी बाजू मैंने पैन गरम करने रख दिया है और उसमें ऑयल कर दिया है। ये जब तक थोड़ा सा मिक्स होता है तब तक हम ये जो सॉटे वेजिटेबल्स है उसे ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से धीमी आंच पर हमें उसे होने देंगे। और साइड में ये जो कैप्सिकम है उसमें हम ये डालेंगे थिक वाला पूरा भर के। It's just an additional thing, it is not compulsion. ये गार्निश के लिए अच्छा है। इसे भी हम भर के यहाँ पे साइड में धीमी आंच पे हम लोग इसे होने लेंगे। ये होता है तब तक हम राइस की तैयारी करते हैं। It is very easy. इसे भी हम यहाँ रख देंगे और उसे फुल ऑफ भर देंगे और इसे धीमी आंच पे होने देंगे। एक पैन में बटर, कसूरी मेथी, कोरिएंडर और कुक्ड राइस डाल दीजिए। इससे हमारा राइस रेडी हो गया जाएगा। पैन में थोड़ा बटर लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड टेस्ट वेजिटेबल्स को सॉटे करना है। ये है मेरे पास थ्री कलर्स के कैप्सिकम, थोड़े फ्रेंच बीन्स, जुकिनी, स्वाद अनुसार नमक, ब्लैक पेपर और ओरिगैनो एंड फुल टेस्ट पर से मिक्स करते रहिए जब तक 2-3 मिनट तक उसे सॉटे कीजिए। हल्का सा ही सॉटे करना है, ज्यादा भी नहीं। पैन में बटर लीजिए, उसे गरम करके उसमें जिंजर डालिए। थोड़ा सा हल्का सॉटे हो जाए ना, उसके बाद टोमेटो प्योरी, अच्छे से उसे समय दे, नमक स्वाद अनुसार, रेड मिर्ची थोड़ा सा कलर के लिए, कसूरी मेथी, शुगर हल्का सा और कोरिएंडर। ये हमारा ग्रेवी रेडी, और इसके ऊपर से हल्का सा रेड चिली। ये हो गया हमारा ग्रेवी रेडी।
एकदम से अच्छे से गर्म करना है, एकदम अच्छे से। टेबल्स पनीर, थ्री कलर कैप्सिकम, कैप्सिकम विद अ कॉर्न ग्रेवी, राइस एंड इस पे हमारा आएगा ये ग्रेवी। एंड हियर कम्स होममेड सिज़लर।